Hi guys, welcome back. And in this video, I am going to discuss with you Prim's algorithm, which is used to find out minimum spanning tree. Okay? We have already discussed uh, Kruskal's algorithm in the last video. So please, if you have not seen video, you can watch and In this video, I am going to discuss with you how to find out minimum spanning tree from a given graph using Prim's algorithm. Okay? I'll discuss this algorithm step by step. See, suppose this one is our graph fine and we uh, will now apply prim's algorithm so first step in prim's algorithm is what first of all remove all the loops and parallel edges fine loops means in case one edge start from the same vertex and it's coming to the same vertex only incoming and outgoing to the same vertex that is known as loop so first of all you will remove all the loops see in this graph we have only one loop so remove this one fine no need to check uh, its uh, cost uh, although it is having that edge cost or weight 1 that is minimum but that doesn't matter you have to remove that loop okay now the next is remove parallel edges in this graph parallel edges are see from this vertex to this vertex you have two edges which are parallel fine so these type of edges are known as पैरल एजेस जितने भी पैरल एजेस होंगे फ्रॉम दिस ग्राफ यू हैव टू रिमूव तो इन दिस ग्राफ यू हैव ओनली वन पैरल एज सी दिस वन टू एजेस सो विच वन यू हैव टू रिमूव नाउ सी जस्ट चेक आउट द एज वेट वन इज वन इज एट सो यू आर सपोज टू कीप दैट एज विच इज हैविंग मिनिमम वेट और मिनीम कॉस्ट सो दैट इज सिक्स हम इस यू कीप दिस एज एंड यू रिमूव दिस वन

इट इज नॉट द स्टेप प्रेम सेलगोद में क्या करना है यू कैन चूज एनी वर्ट टेक्स उसमें हमने एज को चूज किया था हेविंग मिनिमम वेट इसमें क्या करोगे यू विल चूज एनी आर्बिट्रेरी नोट एज अ रूट नोट सपोज वी आर चूजिंग दिस एके वी आर गोइंग टू स्टार्ट टू ड्रॉ एम एस टी फ्रॉम दिस ए सो यू हैव चूजन दिस ए एज अ रूट नोट फाइन नाउ नेक्स्ट स्टेप इज वॉट चेक आउट ऑल द आउट गोइंग एजिस फ्रॉम दिस node, whatever uh, whatever node you have chosen, you are supposed to uh, check out all the outgoing edges from, or you can say the incident edges from this node. outgoing, incoming, kakuchani, because we do not uh, have the directed edges, indirected mean, graph, have nepas, so you are supposed to check the incident edges from this node. see, two edges are there. one is 7, one is 8. fine. now what you have to choose is you have to choose one edge that is having minimum वेट सो आउट ऑफ सेवन एंड एट यू विल चूज दिस सेवन फाइन आपने इसको चूज कर लिया दैट इज सेवन और ये आपका कहाँ तक जाएगी टू द वर्टेक्स, बी फाइन नाउ नेक्स्ट टास्क इज वॉट नाउ सी यू हैव रीच्ड टू दिस बी फाइन नाउ यू हैव टू चूज ऑल द आउट गोइंग एजेस और यू कैन सी द इंसिडेंट एजेस फ्राम बी एज वेल एज फ्रॉम ए आपको इससे भी चेक करना है ऐसा नहीं है कि यू हैव रीच्ड टू बी तो आप बी की एजज सिर्फ चेक करोगे बी की कितनी एजेस हैं आपकी इंसिडेंट और आउट गोइंग यू कैन से दिस थ्री एंड दिस सिक्स बट स्टिल ए के पास अपनी वन मोर एजेस देर दैट इज एट आपको इसको भी कंपेयर करना है आप इसको नहीं भूल जाओगे ऐसा नहीं करोगे कि आप बी पे पहुँच गए तो आप सिर्फ यू दो एजेज को चेक करोगे इनमें से मिनिमम हो गए आप उसको चूज करोगे नो no. दैट इज़ द यू नो मोस्ट कॉमनली मिस्टेक दैट स्टूडेंट्स डू बट ये आपको नहीं करना है सो so, बी से आपकी इंसिडेंट एजिज कौन कौन सी हैं वन इज सिक्स एंड वन इज़ थ्री एंड फ्रॉम ए ऑल्सो वी हैव वन वन हमने सेलेक्ट uh, कर ली है स्टिल वी हैव वन दैट इज एट तो आउट ऑफ एट थ्री एंड सिक्स विच वन इज हैविंग मिनिमम वेट दिस थ्री तो विल यू विल चूज दिस वन थ्री सी एंड थ्री फाइन टू एजेस आपने चूज कर ली नाउ सी वी हैव थ्री वर्टेस थ्री वर्टेस इन दिस एम एस ट्री ए बी एंड सी नाउ चेक ऑल द इंसिडेंट और यू कैन से आउट गोइंग एजिस फ्रॉम दिस बी ऑल्सो सी ऑल्सो एंड एल्सो एंड यू विल चूज दैट वन विच इज हैविंग मिनिमम वेट सी सी से हमारे पास एजेस कौन कौन सी हैं अभी दिस वन थ्री दिस वन फोर टू वी हैव बट स्टिल बी की वन एज वन एज इज लेफ्ट दैट इज सिक्स आप इसको भी कंपेयर करोगे और ए की आपके पास क्या है एट तो आउट ऑफ एट सिक्स थ्री एंड फोर विच एज इज हैविंग मिनिमम वेट दैट इज दिस वन थ्री सी ई तो विल चूज दिस वन सी ई एंड वेट इज थ्री फाइन नाउ नेक्स्ट स्टेप इज वॉट चेक आउट ऑल द आउट गोइंग एजिज फ्रॉम दिस वन ऑल्सो दिस ऑल्सो दिस ऑल्सो एंड दिस ऑल्सो फाइन नाउ ई

2 and 2. In sub check karna hai and which is having minimum weight? 2 and 2. Both the edges having minimum weight. So you can choose any one. Suppose you have chosen this F. 2. Hame 2. Now check. We have one another vertex. Still one vertex is left that is not in this uh, uh, spanning tree. So now choose which vertex is having minimum weight. See from F we have only one.

This 2 from C, we have this 4, from D, 1 is left that is 6, from A, 1 is left that is 8. So, out of 8, 6, 4, 2, and 5, which is, is having minimum weight that is 2. So, you will choose this one E, 2 and this will go to D. Fine, this has been chosen. So, this is the minimum spanning tree of this graph using prim's algorithm see i have told you the algorithm step by step now you can check out verify to verify minimum spanning tree or, tree or you can say spanning tree spanning tree of any graph would contain the same number of vertices as that graph contains how many vertices are there 1 2 3 4 5 6 fine 1 2 3 4 5 6 6 vertices are there and how many number of edges would this spanning tree contains the uh, edges would be subset of the edges that this graph contains suppose this graph is uh, i know uh, i hope you know how to represent a graph g v and e v number of vertices e number of edges suppose g dash is this spanning tree having vertices v dash and e dash then what are the conditions v dash

वी मीन्स नंबर ऑफ वटिससेज इन दिस ओरिजिनल ग्राफ जहाँ जिसका आप एमिस्टी फाइंड आउट कर रहे हैं दैट ग्राफ ठीक है वी माइनस वन इतनी इसमें नंबर ऑफ एजज होंगी तो सी इन दिस केस हाउ मैनी वी आर देयर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स वटिस तो नंबर ऑफ एजेस इन स्पेनिंग ट्री और यू कैन से मिनिमम स्पेनिंग ट्री वुड भी सिक्स माइनस वन दैट इज फाइव और कितनी एजेस हैं वन टू थ्री फोर फाइव फाइन मिनिमम स्पैनिंग ट्री वन मोर कंडीशन इसमें ऐड हो जाएगी कि द टोटल एज वेट ऑफ दीज एज शुड बी मिनिमम सी दिस ग्राफ कैन हैव मोर देन वन स्पैनिंग ट्रीज ठीक है स्पैनिंग ट्रीज के बहुत सारे हो सकते हैं बट मिनिमम स्पैनिंग ट्री में वन कंडीशन क्या ऐड होगी आपकी कि उस स्पैनिंग ट्री जो भी क्रिएट होगा उसका टोटल एज वेट जब आप उसको टोटल करोगे दैट शुड बी मिनिमम दैट इज नोन एज मिनिमम स्पैनिंग ट्री Uh, so this is the prems algorithm so uh, in next video uh, i uh, discuss i will discuss the properties of minimum spanning tree so till then bye bye take care